अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग फ्राइडे का है, फर्स्ट रोज़ा का है। तो मैं आज जो कुछ करूँगी तो मैं सोचा उसका मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये मैंने चना फुला दिया था और जुमा का दिन है तो सबको नहा लिए थे और फिर हम लोग आज मस्जिद जाएंगे जमात के साथ, नमाज़ पढ़ूँगी। औरतों की भी और मर्द की दोनों की नमाज अलग अलग होती है जमात के साथ। तो मैं पढ़ूँगी और मैं बेटा देखे तैयार है नहा के, तो चना फूल गया था, मैं सुबह ही चना फुलाई थी। और ये कीमा है, इसका मैं समोसा बनाऊँगी। इसमें प्याज बस काटना है और ये फ्रूट्स है, फ्रूट सलाद के लिए। तो मैं निकल गई हूँ हम लोग नमाज के लिए मस्जिद की तरफ। तो देखिए मस्जिद में मैं दाखिल हो रही हूँ। ये मस्जिद है, ये औरतों की अलग है और मर्द का अलग है। और यहाँ पे मैं अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पे सारा कुछ चेयर का और सब चप्पल रखने का पूरा यहाँ जगह बना है। मैं अंदर दाखिल हो गई हूँ तो सब लोग आ चुके हैं। अभी नमाज़ शुरू नहीं हुई थी। और मैं अब वापस जा रही हूँ घर की तरफ। मैं नमाज़ हो चुकी है माशाल्लाह से। फिर थोड़ा सा मैं कुरान शरीफ भी पढ़ने लगी और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। मुझे बिरयानी बनाना था तो मैं चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ। बाहर का मौसम भी बहुत ही अच्छा था। तो बिरयानी बनाने के लिए मैं ये मसाला मैं ऐड करूँगी, इजी आसान तरीके से बनाऊँगी। तो उसको मैं डाल के दही के साथ मैं मैरिनेट के लिए छोड़ दी थी। इधर मुझे समोसा बनाना है तो मैं वर्क समोसा मैं ट्राई कर रही थी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा बन गया था वर्क समोसा, पूरे रोटी के तरह। सारे को बेल बेल करके और इसमें तेल लगा के फिर थोड़ा सा आटा छीट करके फिर मैं इसको साइड में रखी थी। फिर दूसरा मैं बेली, तो इसी तरह तीन का लेयर में लगा के और इसके ऊपर फिर मैं बेली हूँ। मैंने चार कर दिया था, चार को एक साथ रख के इस तरह से फिर मैं बराबर से भी सबको बेल रही हूँ। बेलने के बाद इसको फिर मैं कट करूँगी, फिर उसको बेलूँगी उस पर रख करके। तो इसी तरह बहुत ही अच्छा लेयर निकल गया था समोसा, कीमे का समोसा बनाई थी मैं बर्फ़ी समोसा। इस तरह से मैं कट कर रही हूँ और इसको फिर एक पर एक रख के मैं इस तरह से बेलती जाऊँगी और स्टफ़ करती जाऊँगी। इसमें मैं मैदा और पानी को मैं गीला करके लई बना के मैं साइड में लगा दी थी। और ये देखिए बिरयानी का चिकन तैयार हो गया है और ये आलू इसमें ऐड करना है तो आलू को मैं फ्राई कर रही हूँ बिरयानी में। और इधर मैं बेसन फेंट रही हूँ बैंगन का बनाने के लिए। बैंगन इसमें डिप करके बनाऊँगी
बेसन में, और इधर मैं फ्राई कर रही हूँ। कुछ इस तरह का समोसा बना है, कुछ ऐसा बना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा परत निकल गया है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये खस्ता वर्ग के समोसा तैयार हो गया है। अच्छा लगा था खाने में। और ये सब रखा गया, सबका प्लेटिंग बन गया है, और ये शरबत तैयार है, ये पकौड़ा है, ये पत्ता गोभी का पकौड़ा है। ये भी बहुत अच्छा लगा था खाने में। तो हम लोग फिर बैठ गए अफ्तार करने के लिए, और यहाँ सायरन बजता है तभी अफ्तार खोल लेंगे हम लोग। तो उसके इंतज़ाम में हम लोग बैठे हुए हैं, तो जैसे ही सायरन की आवाज़ आएगी वैसे ही हम लोगों ने खोल लिया था। और फिर खोलने के बाद फिर हम लोग रोज़ा खोल लिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट हुआ, फिर निकल गए तरावी के लिए हम लोग। तो यही रहा दिन भर का। तो यही था फर्स्ट रोज़ा का दिन भर का। तो आपको कैसा लगा बताइए।